हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल की चल रही होगी। और आप लोग पिछले 3 से 4 साल से, और हो सकता है इससे भी अधिक का समय हो, जब से आप लोग RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें आप लोग SI और कांस्टेबल दोनों ही प्रकार की भर्ती, और इसमें इंस्पेक्टर भी जोड़ दो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी भर्तियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस भर्ती को रिलीज़ करने के फिराक में ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा SSC GD की बैक टू बैक भर्ती, रेलवे ग्रुप डी और ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, जो साल 2019 में भर्ती निकाली गई, वो अभी जाके कंप्लीट हुई है। बताइए, 4 साल का समय खा लिया, इतने टाइम में ना जाने कितने बच्चे एज का जो क्राइटेरिया है उसे पार कर गए। ऐसा ही RPF में हाल है। पिछले 4-5 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि RPF की पोस्ट आ गई। ठीक है, लेकिन इस भर्ती में ना जाने कौन सा इंजन फिट है कि आने की ही फिराक में ये भर्ती नहीं है। तो क्या साल 2023 में ये भर्ती आ सकती है, इसकी कितनी संभावना है? तो देखिए, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि अब ये भर्ती बिल्कुल निकल के सामने आएगी। वो इसलिए आएगी, वजह है, अगर ये वजह नहीं होती तो अभी ये और लंबा लटकती भर्ती। वजह है आपका जो चुनाव है ना, आपका नहीं, PM नरेंद्र मोदी, लेकिन आप लोग ही तो उस चुनाव को एक अच्छा जो रूप है, व्यवस्थित रूप है, वो दोगे, क्योंकि आप लोग उसमें वोट डालोगे और अपना जो लीडर है, अपना जो PM है, आप लोग चुनोगे। तो अगर ये लोकसभा के चुनाव नहीं होते साल 2024 में, तो ये भर्ती बिल्कुल भी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती। और अभी कितना समय लगेगा, देखिए इस पे लगा हुआ है क्वेश्चन वाचक। संभावना थी कि सितंबर के महीने में इस भर्ती को देखा जा सकता है, सितंबर के अंत तक, तो वो संभावना भी आप लोगों की संभावना ही बनकर रह जा रही है। अभी कोई स्पष्टीकरण इस भर्ती को लेकर नहीं आया है। ऐसे में अब कौन सा महीना संभावित इसके लिए हो सकता है? देखिए, रेलवे पे ये मेरी पहली वीडियो है, इससे पहली वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो बहुत ही नॉर्मल जानकारी दी है कि कैसे एक RPF का सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को समझाया है। इस भर्ती से रिलेटेड ये मेरी पहली वीडियो है, और मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार से एक अपील आप लोग अपने लिए करो, सभी छात्र लोगों के लिए करो, चाहे वो UP पुलिस की भर्ती में बैठे, चाहे वो राजस्थान, चाहे वो MP, चाहे वो बिहार पुलिस में बैठे, चाहे वो CGL में बैठे, CHSL में बैठे, MTS में बच्चा बैठे, सभी अपने लिए एज में रिलैक्सेशन की 3 साल की डिमांड रखो। क्योंकि SSC GD का आप लोगों को पता होगा, बैक टू बैक भर्ती आने के बावजूद भी एज में रिलैक्सेशन दे दिया, और ये तो भाई 3 साल से ऊपर का समय हो गया RPF को आए हुए। तो भाई मैं इतना कहूँगा कि इसमें भी आप लोग अपने लिए 3 साल की मांग कीजिए, और हम लोग भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए RPF हो, MP पुलिस, UP पुलिस, सभी में 3 साल की एज के रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। वैकेंसी 2 महीने बाद आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन एज में रिलैक्सेशन के साथ आनी चाहिए, सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो ओवरएज हो गए हैं यहाँ RPF में भी, उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग MTS, आप लोगों ने मतलब SSC GD में दिया, SCM में दिया, और आप MP पुलिस में देख रहे हैं, वहाँ पे छूट मिला, राजस्थान पुलिस में छूट मिला, तो आप लोग मतलब अपने लिए मांग कीजिए, जब हर जगह मिला है तो RPF। तो देखिए, मैं एक संभावित डेट आप लोगों को बता के चल रहा हूँ कि संभावित डेट इसकी क्या हो सकती है। जैसा यहाँ आप लोग देख रहे हैं, संभावित तिथि 2023 में कौन सा महीना हो सकता है, सितंबर का महीना तो लगभग क्रॉस हो लिया। तो देखिए, इसके लिए मैं महीना आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, जहाँ तक उम्मीद है इस भर्ती के आने की, अक्टूबर नवंबर में ये भर्ती आ सकती है, अक्टूबर नवंबर में ये भर्ती आ सकती है, पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि चुनाव है इसलिए आ रही है। अगर चुनाव नहीं होता तो स्पष्ट है कि ये भर्ती आती ही नहीं है ना, अगर आती भी तो 2024-25 के समथिंग में आती, इसलिए आ रही है कि क्योंकि चुनाव है, सरकार को मतलब खड़े होने के लिए, बोलने के लिए,
कुछ तो वजह चाहिए। अब 2019 की भर्ती को तो वो रिपीट कर नहीं सकते, वे 2019 की भर्ती को बराबर रोना पीटना करते रहें। अब नई भर्ती करेंगे तभी, इसके साथ साथ में ALP की भी आ सकती है, ग्रुप डी की भी आ सकती है, पूरी पूरी संभावना है। और संभावना इसीलिए है, चुनाव है, बाद बाकी ये संभावना ही है। ठीक है भैया, जिसमें ये अंदेशा लगाया जा रहा है RPF में सिपाही और दरोगा, ये दो प्रकार की भर्ती ये रिलीज़ होंगी। सबसे पहले इसमें 9000 के समथिंग में सिपाही, और बात करें दरोगा की तो 3000 के समथिंग में दरोगा की पोस्ट जो है ये आ सकती है। दरोगा के लिए आप लोगों को ग्रेजुएट होना है, यानी ग्रेजुएशन पास हो, BA, BTEC, BSc, जो भी आपकी ग्रेजुएशन या डिग्री में आता है वही आप लोगों को दरोगा के लिए चाहिएगा। वहीं अगर मैं सिपाही की बात करूं तो इसमें मात्र आप लोग 10th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए बस। और एज की बात करूं तो सिपाही के लिए 18 से 25 चाहिए, दरोगा के लिए जनरल कैंडिडेट को 18 से 28 की एज चाहिए। ठीक है भैया, चलो मैं बात करता हूँ संभावित तिथि, तो अक्टूबर नवंबर में संभावना है, वो भी संभावना। अगर मैं एज की बात करूं सिपाही के लिए 18 से 25, OBC, SC, ST को 5 साल की छूट दी जाती है। अगर मैं दरोगा की बात करूं तो 18 से 28 और अपनी OBC, SC, ST की आप लोग छूट भी इंक्लूड कर लीजिएगा इसमें। ठीक है भैया, योग्यता 10वीं, अभी कितना इंतजार और, तो इतना इंतजार और, लगभग अक्टूबर नवंबर संभावित महीना है तो अभी इतना इंतजार और करना। उम्र में कितनी छूट मिलनी चाहिए, देखिए आप लोग बात करें भाई GD की, MTS, CHSL, ठीक है ना, UP, MP, दिल्ली पुलिस में छूट नहीं दिए इन लोगों ने, जबकि दिल्ली पुलिस में एज में रिलैक्सेशन के चक्कर में कोर्ट में भी मुद्दा चला गया है, हो सकता है कोर्ट से वो लोग छूट करा लाएं। तो सभी यहाँ दिल्ली पुलिस की भी मांग कीजिए कि DP में भी आपको 3 साल की छूट मिले, ठीक है ना, सभी को छूट मिले। तो उम्र में कितनी छूट मिलनी चाहिए, लगभग 3 साल की छूट जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को याद हो SSC GD 2022 का नोटिस, उसमें एक बार के लिए बोला गया है कि जो कोरोना टाइम के अंतर्गत भर्ती नहीं हुई, भर्ती नहीं कराई, तो उसके लिए, जबकि कराई थी भर्ती 2021 में भी, 2022 के नोटिस में यही संलग्न करके दिया गया था GD में, उसमें 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो वाजिब मांग है आप लोगों के लिए, मांगना जरूरी है। GD, MTS, CHSL, UP पुलिस, MP पुलिस, UPSI, सभी में मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से मांग करूंगा कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ RPF में बात करूँ आपके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, तो आप लोग फिजिकल देख लीजिए कि फिजिकल आप लोगों का क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल की मैं बात करता हूँ सिपाही के लिए, ऊंचाई आप लोगों की, हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, फीमेल से 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, आप लोगों की चेस्ट चाहिए 80 से 85, है ना, और फीमेल के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दौड़ की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोगों को, मतलब सिपाही के लिए करनी, मतलब 5 मिनट 45 सेकंड में लगानी होगी। 800 मीटर की दौड़ महिलाओं को 3 मिनट 45 सेकंड में। ऊंची कूद लगानी होगी 4 फीट मेल कैंडिडेट को सिपाही के लिए, और 3 फीट महिलाओं को ऊंची कूद लगानी होगी। लंबी कूद 14 फीट लगानी होगी मेल कैंडिडेट को, और 9 फीट लगानी होगी फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। वहीं अगर बात करें SI की, तो SI में आपकी जो मतलब ऊंचाई है और जो चेस्ट है, इसका क्राइटेरिया सेम रहता है, बस दौड़ 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 6 मिनट 30 सेकंड में SI के लिए करनी होती है, और 800 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट को SI में 4 मिनट में लगानी होती है। वहीं मैं बात करूं ऊंची कूद की, तो ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच SI के लिए मेल कैंडिडेट को, और 3 फीट लगानी होती है फीमेल कैंडिडेट को। लंबी कूद 12 फीट मतलब मेल कैंडिडेट को, और 9 फीट जो लगानी होती है वो लगानी होती है फीमेल कैंडिडेट को। तो ये ऊंचाई का क्राइटेरिया। एग्ज़ाम जो होता है वो आप लोगों का 90 मिनट का होता है, 120 क्वेश्चन इसमें आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें मैथ, रीजनिंग और GK का जो वर्चस्व है वो रहता है। तो मैंने आप लोगों को संभावित जो तिथि है वो बता दिया है, अक्टूबर नवंबर बिल्कुल संभावित तिथि हो सकती है, बीछन लगाने का अपना काम नहीं है, झूठ बोलने का अपना काम नहीं है, जो है बिल्कुल स्पष्ट है। और भर्ती लेट भी हुई है तो ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है, और इसके लिए मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने लिए आप लोग, अपने नेता मंत्री जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हो, सभी से 3 साल के एज में रिलैक्सेशन की मांग करिए, ये आपका वाजिब हक है। चलिए फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।